बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा तथा उन्हें होम क्वारंटाइन किए जाने के मामले में कपकोट प्रशासन भी सतर्क हो गया है। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि लॉकडाउन 3 में कुछ छूट मिलने के कारण बाहरी राज्यों से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। कोरोना महामारी के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए यात्रियों को होम व इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया जा रहा है। एसडीएम ने लोगों से जागरूक रहते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। देखिए, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं इनके संबंध में ये बताना चाहूँगा कि बिलौना में बस अड्डा है, उस बस अड्डे में सारी टीम 24 घंटे काम कर रही है। उस पूरी टीम के द्वारा वहाँ पूरा सबकी जितने लोग बाहर से आएंगे सभी का पूरा मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के उपरांत सबका डॉक्यूमेंटेशन होगा, कौन किस गाँव में जाएंगे उसका पूरा विवरण वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद वहाँ सूचनाएँ जो हैं वीडियो कॉल के माध्यम से समस्त ग्राम प्रधानों को प्रेषित की जा रही हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया है कि कई लोग जो गांव में पहुंचेंगे, होम क्वारंटाइन पहुंचेंगे, उनका होम क्वारंटाइन सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है उसके संबंध में उत्तराखंड गवर्नमेंट के निर्देशों के तहत में ग्राम प्रधान के लिए उसको नामित किया गया है। और ग्राम प्रधान की सहायता के लिए एक टीम भी गठित की गई है। उस टीम में टीचर्स भी हैं, हमारी आशा कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हैं और वहाँ के जो भी अन्य वार्ड मेंबर्स हैं वो भी सब उसमें सम्मिलित किए गए हैं ताकि इनका सही ढंग से मॉनिटरिंग भी की जा सके, वास्तव में होम क्वारंटाइन कर रहे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा फैसिलिटी सेंटर में भी इनको रखा जा सकता है अगर वहाँ पर उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनके घर के आसपास जो वहाँ पर विद्यालय है अगर फैसिलिटी सेंटर में वहाँ पर रखना चाहते हैं या वहाँ पर लगते हैं कि घर में उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एज ए फैसिलिटी सेंटर के तौर पर उनको उनके घर के पास में वहीं पर रख दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में भी यही प्रक्रिया की जा रही है। नगर क्षेत्र में जितने लोग बाहर से आएंगे उन सभी के लिए भी यही प्रक्रिया यहाँ पर लागू की जाएगी। CCN न्यूज़ के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।